की कारोबार है अपना जी? ज्वेलरी का। ज्वेलरी माशाल्लाह सुनियारा ना काम कर रहे हो? बड़ा तुहाडी दीवे वर्गी तो शक्ल है। कितना फूक मारी दी मुदरी नु गरम करी दा। इहदा इक भरा लंगड़ा सी नहर च नहा रहा, एक बंदे ने पुछया पानी किन्ना किन्ना, कहिंदा इधरों इन्ना इन्ना ते इधरों इन्ना इन्ना। ताई आई है उहने फटाफट दौड़ ला देणी कि पता नहीं केस खराब हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुजात राणा, तुसीं देख रहे हो एस आर टी वी। और अज असीं जा रहे हैं जनाब राणा बशारत साहब के डेरे ते। काफ़ी दोस्त उन्होंने डेरे ते बैठे हुए हैं और ईद दीयां तैयारियां कर रहे हैं और दोस्तों नूं पुछ रहे हैं कि राणा साहब ने किहड़ियां किहड़ियां तैयारियां कीतियां ने, ते आओ मेरे नाल असीं दोस्तां च चलदे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब राणा साहब, माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी है, जदों भी आए हैं तुहाडे डेरे ते रौनक लगी हुंदी है, एक मुहब्बत नज़र आती है। तो की तैयारियां माशाल्लाह ईद दीयां तैयारियां दे विच दोस्त सारे बैठे हुए ने कि कराचियों लाश आ रही है? वालेकुम असलाम राणा साहब, गल ये है कि सानू पता लगा सी जी जी कि तुसी आ रहे हैं पाकिस्तान, ते तुहाडे आन दी खुशी दे विच जनाब असी इत्थे इक अहतमाम कीता नाल ईद दीयां तैयारियां, ते नाल जनाब तुहानू असी वेलकम कहने हैं कि तुसीं साढ़े शहर फैसलाबाद की रौनक हो, साढ़े इत्थों के पैगाम तुसीं पूरी दुनिया तक पहुँचाते हो, तो उत्थे दे बल्कि यूरोप के पैगाम तुसीं इत्थे लैके आते हो, तो मैं तुहानूं वेलकम कहना। ए सारे मेरे दोस्त अहबाब बैठे ने, इस सारे वालों मैं तुहानूं जनाब वेलकम कहना। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया राणा साहब, तुहाडी मुहब्बत नूं असीं देखदे हां, तुसीं हमेशा साडे नाल मुहब्बत ही कीती है। तो भाई जी तुहाडा की नाम है? मामा यूनस। मामा यूनस की कारोबार है अपना? बस कबाड़ दा। कबाड़ दा? हाँ जी। शक्ल तो पता लग रहा है। पुरानी चीज़ा। तो लो जी बड़ा मजा आएगा अज के प्रोग्राम का, माशाल्लाह भाई जन कबाड़ का काम करते हैं जी। भाई जी तुहाडा की नाम है? जी बिस्मिल्लाह जी, फैसल भट्ट साहब जी। फैसल भट्ट साहब, बड़ी खुशी तुहाडे नाल मिल के। तुसीं भाई जी शादीशुदा हो? अलहमदुलिल्लाह जी माशाल्लाह। किन्ने बच्चे ने? माशाल्लाह इदां दे कढ के 8 है गए जी माशाल्लाह, अलहमदुलिल्लाह जी। बड़ा फजूल टाइम है तुहाडे को, 8 बच्चे कर ले जी। अल्लाह ने कोरोना सोना देता सी। हां कोरोना ने अल्लाह दी खैर, ओरे विच रहमत पै गई अल्लाह दा शुक्र है जी। हां जी लो जी फैसल भट्ट साहब माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनां दी हयाती करे, 8 बच्चे ने, अल्लाह खैर करे जी। तुहाडा की नाम भैन? मियां वसीम अहमद। मियां वसीम अहमद साहब, की कारोबार अपना सर? कपड़े दा जी। कपड़े दा मतलब की? कपड़ा इकट्ठा करदे हो? कपड़ा सेल करदे? अच्छा कपड़ा सेल करदे हो? टाकियां दा जी। टाकियां मतलब है वर्कशॉप दे टाकियां दा जी। सर तुहाडा की नाम भाई? शेख मोहसिन रजा। तुसे मेरे हम भाई हो भाजी? शेख मोहसिन रजा हम से रो लड़ा लो आप। किथे तक करवाल बंदे हो तुसी? जिथे तक ताडे जांदे रे। अच्छा हां हां, माशाल्लाह जी शेख मोहसिन साहब भी साडे नाल ने। तरान साहब बड़ी खुशी इथे बैठ के दोस्तां नु वेख के, ते बड़ा अच्छा लगा है। ते तुसी ये दसो अल्लाह ए जेड़ा बर्तन धोण वाला साबण किस तरह किलो आंदा है? चोर लगन दे। इफ्तिखार उच्ची तो बोलो, बोरी थले आयो। इफ्तिखार अहमद। तुहाडा की नाम है जी? शेर अली। शेर अली लगदा तो कुत्ता ही है। शेर अली राणा साहब माशाल्लाह रोजाना देखी दा इत्थे दोस्तां दी गैदरिंग और बड़ा मजा आंदा है, मतलब किस तरह आया तुसीं, मतलब इतने दोस्त इकट्ठे कर लैंदे हो, पैसे दिंदे हो उन्हां नूं? की वजह है? भाजी इन्हां दी मेहरबानी है जी। जी जी, इत्थे आ जांदे ने सारे मेरे कोल, इकट्ठे हो जांदे ने, ते इत्थे शुगल मुगल दीआं गल्लां बातां सारे कम शम तों फारग हो के ते इत्थे इकट्ठे हो जांदे ने। वैरी गुड वैरी गुड। भाजी तुसीं अगे आओ, कोई ते आओ, तुहानूं कड़ा लगा है। की नाम तुहाडा? शेख आलू। शेख आलू की कारोबार है अपना? कैमिकल। कैमिकल की मतलब? ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਪੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਫੜੇ ਆਂਦੇ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਲਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਧਰ ਆਓ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ। ਜੁਐਲਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਦਰੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਵਕੂਆ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਸ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੁਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੁਗਤ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹਮਾਮ ਜਨਾਣ ਗਿਆ,
मैं क्या भाजी पानी गर्म है, कहना तू आंडे बालने। ये ऐसा शहर अल्लाह ने पैदा की बनाया कि असी मैं तेन एक दसन लगा भी मैं गया लंडन। अच्छा जी, लंडन एयरपोर्ट तो असं निकले बाहर, तो उतों ना मेरा दोस्त भी नाल सी, तो सिगरट पीने वास्ते एक बंदे को मंगया लैटर। अच्छा, तो पाकिस्तानी सी अपना, उन्हें कहा भाजी लैटर देना। उन्हें कहा कितों आए हो? उन्हें कहा जी पाकिस्तानों आए हैं। उन्हें कहा किहड़े शहर तो? फैसलाबाद तो। उन्हें कहा लैटर तां दांगा, पहला चार जुगतां को। ठीक है, वो चार जुगतां कीतियां भाई, उन्हें लैटर दिता नाल चार कप चाह दे भी मंगवा। वाह जी वाह, फैसलाबाद दी ये खसूसियत है। फैसलाबाद जिंदाबाद है जी। ते शेख साहब तुसीं भी प्रॉपर फैसलाबाद तो? जी प्रॉपर फैसला, मतलब कि इत्थे दी रहिशी हो? इत्थे दी रहिशी। चाल दी ते अपना बिजनेस तुसीं भी मेरा ख्याल बाहर गए हो, तुसीं स्पेन नहीं सी रहिंदे हो? तुसीं वापस आ गए की गल? वापस आ गए टेंडे करा ले। उसी तो पक्के लाए सी जी टेंडे। ओ नाले काला सूट पाया वा, नहीं ते मैचिंग करके पौंदे हुंदे ने नसवारी रंग दा। नहीं मैं इन्हां ने पुछया, मैं कहा शेख साहब टेंडे क्यों कराई? कहंदा मेरा वाल वाल करदे जे। चलो टेंड अच्छी होनी चाहिए, मैं भी कराई हो, वजह के मौसम के हिसाब नाल। अरे आ जाओ तुम, बिल्कुल कैदी बैठा हों अगे आ जाओ जी। भाई जान मेरा हसी जा रहे हो। पहले गवर्नमेंट ने ना हेलमेट ते सख्ती की थी। अच्छा, तो फिर इधर पक्का ही बना लेने तो। हाँ जी, लो जी गवर्नमेंट ने माड़ी मार ली है। टीम की फटी होंगी है, किसी को बोलो और बोलो तो सही, बच्चे का फीडर होंगे। लो जी इतने आए हैं, माशाला राणा साहब का हमेशा शौक रहा कि इतने दोस्त बैठे हो, रौनक मेला लगा है, तो असं जो भी आए इतने रौनक मेला लगा हों। राणा साहब दसो, माशाला बिजनेस है तो बड़ा टॉप से जा रहा है, अल्लाह पाक तुहानू होर तरक्कियां देन। तो कोई होर भी तुहाडा कोई शौक है, कोई गाने का या कोई मतलब जुगत का या कोई मौसीकी का या किस तरह? मौसीकी का शौक है जी सुनने तक। अच्छा जी, किनू ज्यादा लाइक कर दियो? मैं ज्यादा मेहंदी हसन साहब नू पसंद कर ला। माशाल्लाह जी, तुसी ते उस शख्सियत का नाम लैता है जेडे के दुनिया च एक नंबर होए ने, ते तुसी कोई शेर सुनाना चाहो सानू? मैं शेर जरूर सुनावांगा पाकिस्तान दे हवाले ना। जी जी जी, बिस्मिल्लाह। सीने दे विच बलमा टुटियां, वाह सिर कलम होए ते कलमा टुटियां, इज्जत दी टाणी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, तां जाके ए मौका बनिया ओ पाकिस्तान कोई सौखा बनिया। वाह भाई वाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा शेर जी पाकिस्तानी वाले नाल। ते कोई जरा कोई लव स्टोरी वाला शेर कोई मतलब जेड़ा उस पासे भी आंदे हो कि नहीं? लव स्टोरी वाला ते हुण उमर ही लंघ गई है, ते किसे हकीम नु वहाओ। आहा, वाह 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 वाह, मतलब है गा। प्यार में बताला जी, वो एक शेर है गावा जी। जी जी, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, वाह वाह, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। सुभान अल्लाह, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, वाह वाह, दोनों इंसान हैं तो फिर क्यों इतने हिजाबों से मिले। वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। बहुत मेहरबानी जी राणा साहब, तुहाडे शेर का बड़ा मजा आया। तो भाजी तुहानू कुछ आंदा है? तुहानू तां लगदा घर का रस्ता भी नहीं आंदा। वाशरूम का बुआ खोल के नहा रहा, मैं यार वाशरूम का बुआ खोल के नहा रहा, कहना मैं शक के थलो मैं कोई वेखदा है। मतलब खेड़ रहे हो क्रिकेट? हाँ जी खेड़ भी रहा जी, देखने का भी बहुत शौक है। केड़े संच खेड़ रहे हो? मैं खेड़ रहा जी तकरीबन 2000 तक, मैं खेलता रहा 2000। उस बाद पैसे मुक गए? अच्छा जी 2000 तक खेड़ते रहे, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेडी है, टेप बॉल खेडे है, हार्ड बॉल खेडी है, गली मल्ले वाली क्रिकेट खेडी? नहीं मैं जी हार्ड बॉल तक खेडे जी। माशाल्लाह जी, लेकिन कोई मैं किसी क्लब वालों नहीं कभी खेले, बस अपने यार दोस्तों। दसो कि राणा साहब एज ए बॉलर से कि बैट्समैन? नहीं मैं बॉलर जी। बॉलर से जी, तो एक ओवर च किनिया गेंदा होंदिया ने? 6 गेंदा होंदी भाजी, एक ही होंदी है, 6 करानियां होंदिया। बड़ी गल है जी, क्रिकेट स्पोर्ट्समैन बंदे नूं होना चाहिए है। एक तो बंदे की फिटनेस सही रहती है जी, तो बड़ी खुशी वाली गल है क्योंकि मैं आप क्रिकेट नूं बड़ा लाइक करना वा। तो भाजी तुसीं भी कभी क्रिकेट नूं हाथ पाया? खेडे हो कभी क्रिकेट? अगेन नूं हाथ पा लैने। अच्छा जी, बॉलिंग करते सी के बैटिंग करते सी?
ਮੈਂ ਬੈਸਟਮੈਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੈਸਟਮੈਨ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਪੈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ? ਇੱਕ ਪੈਡ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬੇਸਿਕਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੁਹੱਬਤ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਠਣ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੋਸਤ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਫਖਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਮਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਸ਼ਾਦੀ ਭੈਣ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਮਲੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਤਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਚੁੜੇਲਾ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਰਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਸਸਤੀ 'ਚ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੈਂਡੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿੰਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਨਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉੱਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵਾਹ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਲੇ ਹੀ ਦੇਗ ਪੱਕੇ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਵਲ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬੈਂਕ ਚ ਗਏ ਜਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ। ਖੁਸਰਾ ਸੀ SHO ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਭੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੇਤੀ ਖੁੱਲ ਲਾ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਖਜੂਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਮਿੱਠੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਆ ਗੱਲ, ਕਿਆ ਗੱਲ, ਕਿਆ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਿਆ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨਹਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਲੰਗੜਾ ਸੀ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕਸਮ ਤੋੜ ਲਾ, ਤਾਈ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇਣ ਕੇ, ਪਤਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਗੱਲ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁੱਟ ਦਈਏ, ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਅਪਣਾਈਅਤ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਗਰ ਜੁਗਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਂਜੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੰਜੋ ਮਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ SRTV, ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ SRTV ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਔਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਵਾਹ ਵਾਹ।